बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की ऐसी कई सारी फिल्में हैं जिन्होंने लोगों के दिलों में एक अलग जगह बनाई है, और इन्हीं फिल्मों में से एक फिल्म है सूर्यवंशम। इस फिल्म को आज भी लोग देखना पसंद करते हैं और ये फिल्म लोगों की पसंदीदा फिल्मों में से एक है। अक्सर टीवी चैनल्स पर ये फिल्म कई बार देखने को मिल जाती है और कई लोगों ने तो बार बार इस फिल्म को टीवी पर दिखाने के खिलाफ शिकायत ही दर्ज करवा दी, लेकिन इसके बावजूद भी लोग इसे देखना बहुत ही पसंद करते हैं। बहुत सही फिल्म है ये। इस फिल्म ने लोगों के दिलों में नहीं बल्कि लोगों के दिमाग में भी अपनी अलग छाप बना रखी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग कैसे हुई थी? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं फिल्म की शूटिंग और फिल्म से जुड़े हुए कुछ किस्सों के बारे में। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी सूर्यवंशम फिल्म पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। टीवी पर सूर्यवंशम के बार बार दिखाए जाने की जो वजह सामने आई वो ये है कि ये फिल्म 21 मई 1999 को रिलीज हुई और उसी साल सोनी टीवी ने मैक्स चैनल को लॉन्च किया था। मतलब फिल्म और चैनल दोनों सेम ईयर में ही आए थे। इसे दिखाने की एक वजह ये भी सामने आई थी कि जिस चैनल पर ये फिल्म आती है उसने इसके 100 साल के राइट्स खरीद रखे हैं और इसी वजह से ये फिल्म बार बार दिखाई जाती है। अब आपको बता दें कि फिल्म में अमिताभ बच्चन ने डबल रोल किया था। साथ ही दोस्तों, मूवी का ये सीन तो आपको याद ही होगा ना, जब राधा कलेक्टर बनकर अपने गांव में पोस्टिंग लेती हैं और तब अमिताभ बच्चन यानी कि राधा के ससुर जी उनसे मिलने के लिए उनके ऑफिस में जाते हैं। अब आपको बता दें कि इस सीन को इस तरह से शूट किया गया था जहां वीडियो में आप अमिताभ बच्चन की बहू यानी कि राधा को चुपके से अमिताभ बच्चन के पैर छूते हुए देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस शादी से अमिताभ बच्चन नाखुश होते हैं, लेकिन राधा शादी के बाद सरकारी अफसर बन जाती हैं जिसके बाद भी वो अपने संस्कार नहीं भूलती हैं। सूर्यवंशम इंडियन मूवी चैनल पर सबसे ज्यादा टेलीकास्ट होने वाली फिल्म है और इस फिल्म को ग्रामीण इलाकों में भी बहुत पसंद किया जाता है। फिल्म के 18 साल पूरे होने के मौके पर अमिताभ बच्चन ने खुद ट्वीट कर फिल्म की तारीफ की थी। फिल्म की लीड एक्ट्रेस सौंदर्या रघु अब इस दुनिया में नहीं है। 17 अप्रैल 2004 को बेंगलुरु के पास एक प्लेन क्रैश हादसे में सौंदर्या की मौत हो गई थी। सौंदर्या ने 1992 में फिल्म गंधर्वा से इंडस्ट्री में कदम रखा था। सौंदर्या ने कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल और मलयालम को मिलाकर 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। सौंदर्या को 6 साउथ फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके थे। हालांकि साउथ में एक्टिव रही सौंदर्या की सूर्यवंशम पहली और आखिरी बॉलीवुड फिल्म थी। सूर्यवंशम तमिल फिल्म का रीमेक थी और इसके बाद इसकी कहानी पर 1997 से लेकर 2000 तक 4 फिल्में बनी। जी हाँ, इस फिल्म में पहले अमिताभ और अभिषेक बच्चन को बाप बेटे की जोड़ी के रूप में लिया जाना था। हालांकि बाद में अमिताभ ने ही डबल रोल किया। सूर्यवंशम में माथे पर तिलक लगाए हुए अमिताभ बच्चन का ये लुक इतना ज्यादा पसंद किया गया था कि बाद में इसे 2000 में रिलीज हुई मोहब्बतें और फिर साउथ की फिल्म सईरा नरसिम्हा रेड्डी में भी इसे रिपीट किया गया। सूर्यवंशम का बजट उस दौरान 7 करोड़ रुपए का था जबकि फिल्म ने करीबन 13 करोड़ रुपए की कमाई की थी। सूर्यवंशम की दो एक्ट्रेस जया सुधा और सौंदर्या के लिए रेखा ने अपनी आवाज दी थी। जी हाँ, स्लीपर हिट का खिताब पा चुकी सूर्यवंशम की कुल कमाई की बात करें तो मौजूदा दौर में ये लगभग 102 करोड़ रुपए के आसपास होती है। फिल्म के गाने चोरी से के लिए अमिताभ बच्चन और सोनू निगम ने आवाज दी थी। ये कम ही देखने में आता है कि एक गाने में हीरो के लिए दो सिंगर की आवाज यूज की गई हो। फिल्म के लिए राजकिरण, शेफाली शाह और पूजा बत्रा को भी रोल ऑफर किए गए थे, लेकिन तीनों ने ही फिल्म करने से मना कर दिया था। 1000 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके साउथ एक्टर ब्रह्मानंद भी सूर्यवंशम में ब्रह्मानंद नजर आए थे। वो इस फिल्म में डॉक्टर की एक छोटी सी भूमिका में दिखाई दिए थे। सूर्यवंशम से पहले अमिताभ, कादर खान और अनुपम खेर की तिकड़ी ने 1998 में आई फिल्म बड़े मियां छोटे मियां में काम किया था। तो दोस्तों, ये थे फिल्म से जुड़े हुए कुछ बिहाइंड द सीन्स और मूवी के फैक्ट्स। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, साथ ही साथ इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।